सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कभी बैंकॉक आए तो इंदिरा मार्केट में इनसाइड मॉर्निंग में जल्दबाजी ना करें, नाइट्स में यहाँ पर आए, अच्छा मार्केट लगता है, काफी अच्छी रेट्स मिलती है। तो अभी हम इंदिरा मार्केट जा रहे हैं, यहाँ पर हमें टूर नहीं मिल रहा था तो हम बाय स्कूटी या फिर जो बाइक राइड होती है उससे दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर रेट का भी थोड़ा वाजिब रहता है। सो हेलो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं बैंकॉक के इंदिरा मार्केट के पास। अभी नाइट में यहाँ पर जो है आउटर मार्केट लगता है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरी तरह से सारी दुकानें बाहर आ चुकी है और यही मॉर्निंग में आपको इंदिरा मार्केट के अंदर मिल जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी शॉपिंग के लिए यहाँ पर, तो आप कभी भी अगर आते हो बैंकॉक, अगर आपको कम रेट में यहाँ पर आप बार्गिंग भी करा सकते हो, बार्गिंग जरूर कराना यहाँ पर, क्योंकि हमेशा यहाँ पर ये रेट थोड़ी बढ़ा के बता देते, आप बार्गिंग कराओगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये इंदिरा मार्केट है, पीछे आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्राउड और सारी दुकानें रेडी पे आ जाती है, तो ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। तो अभी हम घूम रहे हैं, वापस बाइक से जाना पड़ेगा, क्यों इंदिरा मार्केट की आज पार्टी है, ये होटल ही जाता है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह के रोड मार्केट के लगते हैं, सारी चीज़ें एक सेकंड में कैमरा उल्टा करके बता देता हूँ। तो जैसे ऑलरेडी मैंने रेडियम टी शर्ट इंदिरा मार्केट के अंदर से लिया था, तो मैं यहाँ पर भी रेडी पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर क्या रेट है। देखते आप इंदिरा मार्केट के अंदर से लेते हो तो मार्केट के अंदर से, और या शाम को रेडी से लेते हो, डिफरेंस कितना था वो भी अपन चेक कर लेते हैं। या सो ये रेडियम वाले जो टी शर्ट से ऑलरेडी आ रहा था, व्हाट द प्राइस ऑफ दिस? दिस 250। ओह 250 रेडियम, दिस बस 3D 4D जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डेफिनेटली फर्क है बहुत ज्यादा, और मुझे वाकई में फील हो रहा है कि मुझे थोड़ा वेट करना था, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। 150 सुपर ग्रो 150 यस, बट नो नो 3D 40 ये 150 यस, दिस 150 है, 150 एंड रेडियम हाँ, ये रेडियो में देखिए जैसे कि आपको भैया बता रहे हैं अंदर से आपको लाइट्स दिखेगी, इनसाइड आप देखोगे तो ऐसे लाइट दिखेगी। हाँ रेडियो में अंडरस्टैंड 150 ओह माय गॉड, क्वालिटी डिफरेंट है ना? Yeah, this is all different price. Color t-shirt, Nandiba. अच्छा। तो यहाँ पर definitely मैं आपको यही So friends, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कभी भी बैंकॉक आए तो इंदिरा मार्केट में इनसाइड मॉर्निंग में जल्दबाजी ना करें, नाइट्स में यहाँ पर आए, अच्छा मार्केट लगता है, काफी अच्छी रेट्स मिलती है, और मे भी कुछ टी शर्ट तो मुझे 150 में 3D मिल रहे हैं और रेडियम वाले मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। और यही टी शर्ट मैंने 350 में लिया है इंदिरा मार्केट से, तो डेफिनेटली मुझे बहुत फील हो रहा है कि यार मैंने गलती कर दी, थोड़ा सा और वेट कर लिया होता तो मुझे बहुत ही अच्छी रेट में अच्छी टी शर्ट मिल जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, नेक्स्ट टाइम आप भी कभी आओ इंदिरा मार्केट या बैंकॉक तो जल्दबाजी ना करें परचेसिंग में, आराम से आपकी इन्फॉर्मेशन ले और मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करें, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। और ऐसी वीडियो आप देखिए यूट्यूब पे तो कोई ना कोई आपको जानकारी जरूर मिलेगी कि हमको बैंकॉक जाओ किस तरह से खरीदारी करनी है और क्या नहीं करनी है। चलिए बने रहे, देखते आगे और कुछ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरा मार्केट यहाँ पर लगा हुआ है और सारा मार्केट रोड पर आ चुका है यार, गजब। और
बहुत ही सारी चीजें सही चीज रेट मिल रही है यार, देख सकते हैं आप, बेल्ट है और बहुत सारी चीजें, जैसे आपको जो ब्रांडेड चीज चाहिए तो भी आपको आगे मिल जाएगी। डिपेंड्स कि आप किस तरह की क्वालिटी में चीज करनी है, मतलब चीपेस्ट में जाना है या ब्रांड में जाना है वहाँ, लेकिन ये चीज़ें आपको जो अंदर जो शोरूम्स है उससे आपको डेफिनेटली दो कुछ पैसों का फायदा ही होगा, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल, डेफिनेटली आप आए इस तरह की चीज एक्सप्लोर करें तो बहुत ही सही है यहाँ पर यार। और जस्ट सामने एक और चीज बता देता हूँ, मेरे जस्ट पीछे आप जो देख रहे हो ना, यहाँ की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है जी, सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग आप देख पा रहे होंगे पीछे है जस्ट में, बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, काफी ऊंची है। तो पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो स्काई ब्लॉक्स, यहाँ की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है, तो इसी के आसपास ही पूरा मार्केट लगता है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। पीछे देखो बाइको स्काई होटल जो सी हाईएस्ट बिल्डिंग है, घूमते रहो यार, एक्सप्लोर करते रहो, बहुत मारा बड़ा मार्केट है। सो दोस्तों यार, अगर आप यहाँ पर आते हो, आपको जीन्स भी लेनी है तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी, 300 बात में बहुत अच्छी जीन्स मिल रही है, रेट सही है, ज़्यादा रेट नहीं है और वाकई में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, तो अगर आप स्ट्रेचेबल भी है, अगर आप अच्छी जीन्स लेना चाहते हो, वाकई में इंडिया के हिसाब से 720 रुपये होते हैं कुछ वो, लेकिन वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी की जीन्स आपको देखने को यहाँ मिलेगी। अगर आप लेना चाहो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं कहूँगा आप कभी भी किसी मार्ट या फिर इंदिरा मार्ट या उसमें ट्राई ना करें, नाइट मार्केट आए और इसको एक्सप्लोर करें, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए खूबसूरत बैग्स भी है मेरे पीछे बहुत सारे, और ये सारे स्ट्रीट्स पे है सबसे बढ़िया चीज़, सो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रीट्स पे इनको रेंट देना नहीं होता, तो डेफिनेटली इनकी प्राइस कम हो जाती है, और जो मार्च में होते हैं उनको हैवी रेंट्स पे करते हैं, तो इस वजह से उनको रेंट की कॉस्टिंग को ऐड कर देते हैं। सो हेलो भाजी, कैसा रहा एक्सपीरियंस शॉपिंग का? तो क्या एडवाइस दोगे लोगों को? दुकान से सामान कभी ना ले, मार्केट से ले, समय की प्रतीक्षा करें, और रात को जो होम पे सामान मिलता है उससे आकर ले, बहुत फर्क है भाई, बहुत ज्यादा, दुकान के अंदर कुछ ना ले, मार्केट में आए रात को और तब शॉपिंग करें, ये सबसे बढ़िया है। बेल्ट वेरी नाइस है, बेल्ट बेल्ट सुपर। How much for this? 100. So, थोड़ी हम शॉपिंग कर लेते हैं। Okay. 100 बात। What is unique? बाहर ने बस से चलो यार, 15 का तो आगे गर्मी तो नहीं है यार। लाओ इधर क्या हो ना आगे। आओ पाजी इधर क्या हो। थोड़ा सी जगह। तो लाउटिंग लाइट लगा तो